अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या क्रिएट करने जा रही हूँ। आज के डिज़ाइन जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन की तरफ आते हैं। मेरे साथ एंड तक लाजमी बने रहिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आज मैं क्या क्रिएट करने जा रही हूँ। हम दो से तीन कार्ड को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जो कार्ड क्रिएट कर रहे हैं वो पैलेस्टाइन के अबाउट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पर जब मैं एक हॉर्स बना रही हूँ और उसके ऊपर जो है वो एक मुजाहिद गर्ल को मैं क्रिएट करूँगी और उसके हाथ में जो है वो एक पैलेस्टाइनियन जो फ्लैग होता है उसको क्रिएट करूँगी। अब लिखते हैं नेम। फलस्तीन का जो नेम है वो हम उर्दू में भी इसी तरह राइट करते हैं और अरबी में भी इसी तरह राइट करते हैं। अब आते हैं कलर्स की तरफ। तो कलर्स जो हैं फलस्तीन के अंदर हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। इसके बाद आते हैं फ्लैग के अंदर। फ्लैग में जो हम कलर यूज़ करेंगे वो होता है रेड कलर, ब्लैक एंड ग्रीन कलर होता है और दरमियान में उसे वाइट ही छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं हम हॉर्स के अंदर। हॉर्स में जो है वो मैंने ऑरेंज कलर करना मुनासिब नहीं समझा। हॉर्स पे हम जो है वो ब्राउन कलर का यूज करेंगे और नीचे जो है वो व्हाइट ही छोड़ देंगे उसके लेग्स के अंदर। हमने थोड़ा सा कम्बिनेशन उसे देना है और गर्ल के अंदर जो है उसके अबाया के अंदर हमने ब्लैक कलर का यूज करना है। अबाया में कलर करने के बाद अब हॉर्स के जितने भी नाल्स होते हैं, उसके पट्टे होते हैं, उसके अंदर हम उसके ब्लैक कलर का यूज कर देंगे। यह हमारा एक कार्ड कम्प्लीट होता है। अब आते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। दूसरा कार्ड जो है वो ईद मुबारक के अबाउट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ईद मुबारक को जो है वो कैलीग्राफी कर रही हूँ। उसको कैलीग्राफी हमने बहुत खूबसूरत तरीके से करना है। अब इसके साथ जो है वो साइडेड पर हम दोनों साइडेड पर हम जो है वो लैंप जो है वो क्रिएट करेंगे जिसको हम लटकाने वाले हैं। इसके बाद हम कैलीग्राफी के जो साइडेड पर जो है वो एक डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम एक स्टेज क्रिएट करते हैं सेम उसी तरह का डिज़ाइन हमने क्रिएट करना है और नीचे जो है वो इंग्लिश में हम ईद मुबारक राइट कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारी आउटलाइन कंप्लीट होती है। अब आते हैं कलर्स की तरफ। जहां हमने कैलीग्राफी की थी, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताती हूं, कैलीग्राफी में मोस्टली हम जो है वो ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो यहां पर ईद मुबारक के अंदर मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूं। इसके बाद आते हैं लैम्प में। लैम्प में हम तीन कलर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम येलो, ऑरेंज और साथ में उसे बोल्ड करने के लिए थोड़े से ब्लैक कलर का टच देंगे। अब जैसे कि नीचे मैंने साइड पर बनाया था वहाँ स्काई ब्लू का यूज़ करेंगे और नीचे जो स्टेज साइड में मैंने बनाया था वहाँ दो कलर का यूज़ करेंगे, ऑरेंज और साथ में स्काई ब्लू कलर का। अब नीचे ईद मुबारक जो मैंने इंग्लिश में राइट किया था उसको हम जस्ट ब्लैक कलर के साथ बोल्ड कर देंगे और कैलीग्राफी के साइड पर हम येलो कलर का यूज़ करेंगे। दो कार्ड हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं थर्ड कार्ड की तरफ जो कि अगेन जो है वो पैलेस्टाइन के अबाउट है। सबसे पहले हम कैलीग्राफी करते हैं फलस्तीन की। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि उर्दू में भी हम इसी तरह राइट करते हैं और जो है अरबी में भी हम इसी तरह ही राइट करते हैं और साथ में हम फ्लैग बनाएंगे पैलेस्टाइन का। नीचे जो है वो इंग्लिश में हम कैलीग्राफी कर देंगे स्टैंड विद पैलेस्टाइन। इसके अलावा हमने कुछ नहीं राइट करना। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कार्ड को क्रिएट करना है। इसके बाद हम कलर्स की तरफ चले जाएंगे। अब करते हैं इसके अंदर कलर। सबसे पहले हम पैलेस्टाइन का जो हमने उर्दू में इसका नेम जो है वो राइट किया था उसके अंदर हम उसको बोल्ड कर देंगे, ब्लैक कलर के साथ फिल करेंगे। कैलीग्राफी को फिल करने के बाद हम नीचे फ्लैग में आएंगे। फ्लैग में हम वही कलर यूज करेंगे जो फ्लैग के अंदर कलर होते हैं पैलेस्टाइन के, जो फ्लैग होता है उसके अंदर। और नीचे स्टैंड विद पैलेस्टाइन में जो है वही कलर यूज करेंगे जो कि फ्लैग के कलर्स होते हैं। बस हाफ हाफ जहां जहां फिल करना है वहां वहां हम कर लेंगे। यहां हमारे कार्ड कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब दें मुझे इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज़।